अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब। आज क्राइम टुडे न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं और ख़ास तौर पे आली जनाब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जी से भी और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर जितने डिपार्टमेंट इससे वाबस्ता है, यानी एग्रीकल्चर का स्पेशली और फूड कॉरपोरेशन का जो ये चावल का जो मसला है। देखिए, आजकल तकरीबन तौर पर ऐसा हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और एक नंबर वन बात यह है कि ये राशन का जो चावल होता है साहब, ये राशन का जो चावल है साहब, ये चावल है सो मैं हमारे वाइट राशन कार्ड होल्डर से अपील कर रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तानी मेरे भाई तेलंगाना के भाइयों से, गरीब शरीफ जितने भी लोग हैं मेरे, कि ये चावल का इस्तेमाल किया जाए। और ये पता चल रहा है, मार्केट में मालूम कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी एक वेलफेयर का काम करता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, मैं तमाम शहर में यहीं हैदराबादी रहने वाला हूँ। लेकिन ये चावल जो है सो राशन की दुकान से ले जाकर स्टॉक करके घरों में अपने लोग हमारे शहर के लोग, हमारे सिटीजन्स जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इस्तेमाल नहीं करने की सूरत में ले जाकर इडली की बंडी, दोशे की बंडी और कई दुकानों में ले जाके ये चावल 12 से 15 से 20 रुपए तक सेल कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चंद्रशेखर राव जी से अपील करता हूँ कि आप इस पर पाबंदी लगाएँ। मैं ऐसा पोस्टर रिलीज़ किया जाए, एक छोटा सा पोस्टर, जो चावल ये इस्तेमाल नहीं करते, राशन का चावल जो इस्तेमाल नहीं करते, वो ना खरीदे, ना ले। किसकी इत्तेदाद है, जो खा सकता है तो वो अपने 100 रुपये किलो चावल खाए, 50 का खाए, 20 का खाए, जो भी है। लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मैं अपील कर रहा हूँ कि हर राशन की दुकान पर एक पोस्टर लगाया जाए जिसमें चावल का स्कैंडल चल रहा है और तमाम लोग ऐसे यही जमा करके ले जाके बेच रहे हैं। कम से कम 4 से 6 महीने से वो लॉकडाउन से आज तक भारत सरकार, तेलंगाना सरकार हमको चावल फ्री दे रही है और मैं खुद भी यही इस्तेमाल करता हूँ चावल, वाइट राशन कार्ड के चावल को। अलग जितनों से अपील है मेरी कि आप ये चावल ले जाके किसी को ना बेचें। अगर बेचते हैं तो सरकार का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, नज़रसानी देखा जाए और उनको जो भी जुर्माना वगैरह जैसा करना है आप हुकूमत करें। लेकिन वाइट राशन कार्ड वालों को मैं अपील कर रहा हूँ और गवर्नमेंट से स्पेशली और जितने अहदेदार है, क्योंकि ये भूखमरी से इतनी परेशानी हो जा रही है, गिरानी से गिरानी बहुत बढ़ गई है। मीठा तेल 200 रुपये किलो, गैस सिलेंडर चले गया आपको 1000 रुपये के किलो, पेट्रोल चले गया, कीमतें आ गई। अब ये देखिए एग्जाम्पल ऐसी, ये फलियाँ आ गई, ये 70 रुपये से 100 रुपये के अंदर बिक रही है। पर किसान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे एग्रीकल्चर वाले किसान भाई, आप तो हमारे माए बाप की तरह है, देखिए इतनी महंगाई की क्या जरूरत है। इसमें बीच में कुछ दलाल लोग आ गए हैं मार्केट में, खेत से कुछ निकलता है पहुँचता है कुछ 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, आज का भाव भी 80 रुपये किलो है। टमाटे देखिए, ये बिनिस की फली दीजिए, 70-80 रुपये 100 रुपये किलो है। आज का टमाटर का भाव अभी हमने मार्केट से मंगा के था 70 रुपये किलो दिए, 35 रुपये किलो दिए। लेस क्वालिटी है, ठीक है, मानते हैं हम, सो कम से कम 50 रुपये किलो तो बिक रहा है, 40 रुपये बिक रहा है। लेकिन ये रोज़मर्रा का इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और चंद्रशेखर राव जी खास तो स्पेशल दिए और हमारे होने वाले यानी मंत्रियाँ जितने भी है, अभी नेक्स्ट जो भी है मिनिस्ट्री में आने वाले हैं, उन लोगों से अपील करता हूँ इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, इस पर फोकस करें, गिरानी के ऊपर फोकस करें, ब्लैक मार्केट में फोकस करें। कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि ये चावल वगैरह के बारे में आप लोग देखिए। और सो ये देखिए, हम खुद पका के खाते हैं चावल, कोई ऐसा नहीं कि हम खाली स्टेटमेंट दे दे रहे हैं बयान, मैं खुद ये चावल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सरकार देती है चावल अच्छे है, हम ये इस्तेमाल करते, कोई ब्लैक नहीं करेंगे चावल। और घरों में पैकिंग करके ले जाके इडली दोशे वाले को दे रहे हैं साहब, 12 रुपये 15 रुपये किलो ले जाके बेच रहे हैं, सरकार फ्री दे रही है। पैसे हाईएस्ट हो गए, लखपति करोड़पति बन गए इडली बेचने वाले, 40 रुपये 50 रुपये किलो इडली बेच रहे हो, यानी प्लेट्स बना के दे रहे हैं इडली दोशा उपमापुरी। और एक बार दूसरी करें, वो 5 रुपये का खाना भी निकाल दिए, रास्ते में काम करने वाला काम भी नहीं कर रहा, 5 का खाना खा लिया, खामोश हो गए। नहीं, गिरानी के ऊपर कंट्रोल किया जाए। मैं क्राइम टुडे के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब, आप इस पर ध्यान दीजिए, हर राशन की दुकान पर पोस्टर लगाइए कि चावल अगर नहीं चाहिए आपको तो मत लीजिए। नो ब्लैक मार्केटिंग, नो पब्लिक, रोज़मर्रा की जिंदगी इसी के ऊपर गुजरते सर, यही खाना पीने का खर्चा यही है हमारा, दूसरा क्या। हालांकि इतना अच्छा हमारा तेलंगाना है, सुनहरी तेलंगाना है, हर चीज़ मिल रही है, हम इतनी महंगाई करता हूँ कि तेलंगाना सरकार से कि आप इस पर अमल करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे को कि चंद्रशेखर राव जी इस पर ध्यान देंगे और एग्रीकल्चर के पूरे मिनिस्ट्री का, हर मार्केट में ऐसे हो गया सर। आप ये देखिए फ्रूट मार्केट में, वो भी 60 रुपये डजन माउस, ये नहीं है इतना,
लेकिन मनमानी चल रही है, इन पर कंट्रोल किया जाए, इन पर बोर्ड लगाया जाए, मेन्यू बोर्ड लगाया जाए, आज का भाव अखबार में भी दिया जाए। आज टमाटर का भाव अखबार में क्यों नहीं देते आप, अंडे का भाव देते, चावल का भाव भी दीजिए, आज का भाव क्या है, एक कालम बनाइए अखबार वाले और मीडिया वालों से बोलता हूँ कि आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, क्राइम टुडे न्यूज़।